वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पोम्पा आज आ गई हूँ एक जेंट्स फेशियल की ट्यूटोरियल लेके। हम एक जेंट्स के ऊपर कैसे फेशियल कर सकते हैं, कैसे हम लोग फेशियल स्ट्रोक दे सकते हैं, उसी की फेशियल ट्यूटोरियल लेके आज मैं आ गई हूँ। पहला स्टेप आप देख रहे हैं फेस क्लीन करना। वैसे हर एक फेशियल की पहली स्टेप होती है फेस को क्लीन कर लेना, तो मैंने यहाँ पे फेस को क्लीन कर लिया है। अब जो सेकेंड बारी है ये है क्लेंजिंग स्क्रब। यहाँ पे मैंने लिया है लोटस गोल्ड फेशियल किट की क्लेंजिंग स्क्रब। मैं लोटस गोल्ड फेशियल किट से ही यहाँ पे फेशियल करूंगी और उसके साथ मैं कुछ मिक्स एंड मैच करूंगी जो मैं आगे आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे स्क्रब ले लिया है और स्क्रब मैंने किया है सर्कुलर मोशन में और फिंगर टिप्स के मदद से। फोरहेड के ऊपर, नोज के चारों तरफ और गाल के दोनों साइड में मैंने यहाँ पे स्क्रबिंग की है। जहाँ पे हमारे बियर्ड होते हैं, मतलब जो दाढ़ी के साइड होते हैं ना, वहाँ पे हम लोगों को स्क्रबिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है शेविंग के बाद जो थोड़े जो हेयर्स होते हैं ना, वहाँ पे अगर हम लोग स्क्रबिंग करते हैं तो वहाँ से हमारे फेस के ऊपर दाने आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उस जगह पे हम लोग टच नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे फोरहेड के ऊपर और गालों के दोनों साइड में सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से स्क्रबिंग कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। हम यहाँ पे स्क्रबिंग कर लेते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ हमेशा मैं जैसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वैसे आज भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा स्क्रबिंग खत्म हो चुका है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से जेंटली स्क्रब को हटा दिया है, फेस को क्लीन कर लिया है। फेस को क्लीन कर लेने के बाद जो बारी होती है वो होती है हमारी मसाज की। हमारे स्किन के ऊपर स्क्रबिंग का स्क्रब का कोई भी दाना ना रह जाए, इसलिए बहुत अच्छे से लेना है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है लोटस गोल्ड की मसाज क्रीम। तो यहाँ पे मैं जिनके ऊपर फेशियल कर रही हूँ वो मेरे भैया हैं, तो उनके स्किन में बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर जो फेशियल कर रही हूँ लोटस गोल्ड का मसाज क्रीम देके, मतलब लोटस गोल्ड किट ही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फेशियल के लिए। लेकिन लोटस की जो ये गोल्ड किट है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, और यहाँ पे जिनके ऊपर मैं मसाज कर रही हूँ, मतलब मेरे भैया के ऊपर, उनके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा रिंकल्स इनके फेस के ऊपर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो मसाज कर रही हूँ आप लोग देख रहे हैं, नाक के साइड से मैं लेके अपवर्ड मोशन में गालों के साइड में मसाज कर रही हूँ ऐसे, और मैं फोरहेड में ऐसे मसाज दूंगी। यहाँ पे ही ज़्यादा मुझे मसाज देनी है क्योंकि आंखों के साइड में उनका बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ चुका है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, और फोरहेड में आप लोग ध्यान से देखिए बहुत ज़्यादा रिंकल्स के साइन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं फोरहेड में बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ, मतलब अपवर्ड मोशन में बहुत ज़्यादा मसाज दे रही हूँ। और जेंट्स का जो स्किन होते हैं वो थोड़ा मोटा होते हैं, उनके स्किन के टेक्सचर जो होते हैं वो थोड़ा मोटी होती है, मतलब हम लोगों का थोड़ा थिन लेयर होता है स्किन का और उन लोगों का थोड़ा थिक लेयर होते हैं स्किन में, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ। और मैंने फोरहेड के साइड से लेके आईब्रोज के नीचे जो हमारा प्रेशर पॉइंट है यहाँ पे 3 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दिया है। मुझे यहाँ पे लगा है कि इनकी जो स्किन की ड्राइनेस है वो खत्म नहीं हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आज फेशियल में मिक्स एंड मैच करूंगी, मतलब डिजाइन करूंगी फेशियल के ऊपर। तो आप लोग भी ऐसे जिनकी ड्राई स्किन है आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सबसे बेहतरीन जो मसाज ऑयल होती है वो है आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, वो मैंने लिया है, और उसके साथ लिया है मैंने विटामिन ई की एक कैप्सूल। इसको देखे मैं बहुत अच्छे तरीके से मसाज करूंगी, लेकिन गालों के नीचे जैसे हम लोग जब लेडीज की फेशियल करते हैं तब गालों के नीचे से हम लोग अपवर्ड मोशन में स्ट्रोक देते हैं, फेशियल मसाज करते हैं, लेकिन जब जेंट्स का आप लोग मसाज करेंगे तब बिल्कुल भी गालों के नीचे से अपवर्ड मोशन में मसाज हम लोग नहीं दे सकते।
आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे मसाज स्ट्रोक देख लीजिए। जेंट्स लोग शेविंग करते हैं और रेगुलर शेव के वजह से जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनके नीचे जो पोर्स होते हैं ना, तो उसके ऊपर आप लोग अपवर्ड मोशन में अगर खींचेंगे ना तो वहाँ पे दाने आ सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है। तो यहाँ पे गालों में हम लोग बिल्कुल नीचे से मसाज नहीं देंगे, लेकिन उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं वो मैं इसके बाद बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल देखना है, अगर आपको सीखना है कि जेंट्स के ऊपर फेशियल के कैसे स्ट्रोक हम लोग दे सकते हैं या कैसे हम लोग फेशियल कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जैसे हम यहाँ पे मसाज दे रहे हैं वैसे आप लोग मसाज दीजिए। मैंने यहाँ पे फोकस किया है ड्राई स्किन और यहाँ पे जो रिंकल्स आए हैं फोरहेड में, तो उसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस दिया है और ऐसे ही मैंने मसाज करने की कोशिश किया है ताकि उनके जो रिंकल्स के साइन आ गए हैं वो कुछ हद तक खत्म हो जाए, कुछ हद तक वो कम हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने कैसे क्रीम को तो मैंने फेस के ऊपर बिठा दिया है और उसके साथ हमने जो फेस ऑयल लिया था और उसके साथ जो विटामिन ई कैप्सूल लिया था वो भी स्किन में एब्जॉर्ब करा दिया है। आप स्किन के ऊपर क्या कर सकते हैं कि टैपिंग कर सकते हैं, इससे क्या होगी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होंगे। जब भी हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होते तो हमारी स्किन ग्लो करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक फेस रोलर, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं या मार्केट में भी मिल रहा है अभी, तो ये ले सकते हैं। तो मैंने ये जेड रोलर से मैंने अपवर्ड मोशन में ऐसे मसाज किया है। जेड रोलर जहाँ पे भी आप लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पे 5-6 टाइम्स एक ही जगह पे आपको रोलर को प्रेशर देके, हल्के हाथों से प्रेशर देके आपको ऐसे ही ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में चलाना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रिंकल्स के साइन आप लोगों को दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जेड रोलर का यूज किया है, क्योंकि जेड रोलर का यूज करने से हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन और भी ज़्यादा अच्छे से होते हैं और उसके साथ साथ ये जो फाइन लाइंस के प्रॉब्लम होते हैं, रिंकल्स के प्रॉब्लम होते हैं, ये कम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जेड रोलर का यूज ऐसे किया है। स्मॉल वाला पोर्शन जो आता है जेड रोलर का, वहां से मैंने आंखों के नीचे से अपवर्ड मोशन में ऊपर के तरफ से ऐसे ही मसाज दिया है एक ही जगह पे 5-6 टाइम्स। तो आप लोगों को ऐसे ही देना है। और आंखों के साइड में भी क्रोस फीट आए थे इसलिए मैंने आंखों के साइड में भी जेड रोलर को बहुत अच्छे से दिया है ताकि उनके फाइन लाइंस के जो साइन होते हैं वो कम हो जाए। मैंने यहाँ पे मिक्स एंड मैच किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस फेशियल में आमंड ऑयल और विटामिन ए का यूज किया है। और मैंने यहाँ पे जो अपवर्ड मोशन में जो मसाज नहीं दे पाई थी वो मैं यहाँ पे जेड रोलर के थ्रू दे रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग जेड रोलर के थ्रू ये मसाज देंगे मतलब जेड रोलर के थ्रू हम फेस में ऊपर की तरफ खींचेंगे तब स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, कोई भी पेन नहीं होगा और या रैश आने के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पे हमारा मसाज खत्म हो चुका है और अब हम एक्सेस जो क्रीम है उसको हम लोग निकाल देंगे, वाइप कर लेंगे। अब देखिए स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहे हैं। जब भी स्किन हमारे हाइड्रेटेड होते हैं तब भी हमारी स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स कम आते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है फाइनल स्टेप, वो है लोटस गोल्ड की रेडिएंट मास्क। तो मैंने इस मास्क को पूरे फेस में बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब इस मास्क को हम लोग 10-15 मिनट रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई लेडीज का भी आप लोग फेशियल करते हैं, आप लोग बहुत टाइम क्वेश्चन करते हैं कि मेरा ड्राई स्किन है या मेरा ऑयली स्किन है, इस फेशियल क्या मेरी स्किन के ऊपर जाएगा, कभी कभी आप लोग भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, जैसे मैंने इस फेशियल में किया है। स्किन ड्राई थी तो इसलिए मैंने आमंड ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल का यूज किया है मसाज के टाइम पे। तो आप लोगों का स्किन अगर ज़्यादा ड्राई है तो आप लोग आमंड ऑयल से आपके स्किन में मसाज कर सकते हैं, इसमें आपके स्किन में बहुत अच्छे से ग्लो आएंगे, आपके स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड हो जाएंगे। और अगर आपके ऑयली स्किन है तो आप लोग यहाँ पे क्रीम का अप्लाई कम करके जेल से ज़्यादा मसाज करेंगे।
और पूरा पैक लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा ले लिया है विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल और उसके साथ एलोवेरा जेल, जिससे अंडर आई के जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से कम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों को मिक्स करके 15 मिनट्स के लिए आंखों के ऊपर भी अप्लाई कर दिया है ताकि उनके अंडर आई डार्क सर्कल्स भी कम हो जाए। और दोनों फिंगर से हल्के हाथों से थोड़ी सी मैंने आंखों के ऊपर मसाज दे चुकी हूँ। और अभी 15 मिनट्स खत्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया है और पैक को हमने गीला कर लिया है। हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज करके फेस पैक को रिमूव कर लेंगे और फेस को क्लीन कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हो चुका है, अब मैं बहुत अच्छे से फेस पैक को रिमूव कर रही हूँ। जब भी हम लोग किसी जेंट्स के फेस के ऊपर फेशियल करेंगे तब हम लोग गालों के नीचे से अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ कभी भी मसाज नहीं देंगे। बस जेंट्स मसाज के टाइम पे इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग जो फेशियल करते हैं वो सिर्फ स्किन वाइटनिंग के लिए नहीं होते हैं, हमारे इसमें ब्लड सर्कुलेशन की इम्प्रूवमेंट होती है, उसके साथ हमारे जो स्किन में सैगिंग आ जाते हैं वो कम होती है, हमारे जो रिंकल्स और फाइन लाइंस आते हैं उसको कम करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो आज की फेशियल की मोट होती है वो होती फाइन लाइंस को कम करना, उसके साथ जो स्किन में ड्राइनेस आई है उसको कम करना। तो यहाँ पे मैंने स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई करूंगी रिजुविना हब कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन भी है और इसके साथ स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं बहुत अच्छे से। ये यूज करने के बाद स्किन बहुत अच्छे से ग्लो भी करता है। अगर आप लोगों के पास रिजुविना हब कॉम्प्लेक्स नहीं है तो आप यहाँ पे सनस्क्रीन का भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक फेशियल के बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो स्किन आप लोग देख सकते हैं, तो मुझे जो लग रहा है कि स्किन की जो फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे वो कम दिख रहे हैं और उसके साथ साथ स्किन ब्राइट भी दिख रहे हैं और उसके साथ स्किन बहुत सॉफ्ट एंड मॉइस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा भैया बहुत ही खुश थे इस फेशियल को करने के बाद, क्योंकि इसके इनके ना स्किन के अंदर से बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स हो रही है, स्किन बहुत ग्लोइंग इफेक्ट दे रहे थे। तो आई होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी ये छोटी जो प्रयास मैंने की है वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छी लगी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो वीडियो के एंड के तरफ आ गई हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।